पहले हम ब्रेड को चारों तरफ से देख लेंगे ताकि इसमें कोई कमी ना हो, और उसके बाद हम इसे फेंक देंगे ताकि जंगली जानवर इसे खा के स्वस्थ रहे, और हम ढूंढेंगे मछली के अंडे, मगरमच्छ के अंडे और सांप की खाल। ठीक और छोबो कचदा, बिल्कुल चूतिया लगाता है, क्या करते हो तुम्ही? मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस जंगल में आना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले पूरा उजाड़ का एक न्यू वीडियो, जंगल से रिलेटेड है। एक बंदर रहता है, ठीक है, वो फॉरेस्ट वाला टाइप का, उसी से रिलेटेड है। फिलहाल इस वीडियो का क्रेडिट जाता है पूरा उजाड़ को। इसका फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डालूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। फिलहाल देखते हैं इसका वीडियो। डिस्क्लेमर, मैं बियर ग्रिल्स हूं। बियर ग्रिल्स, अपनी जिंदगी को मैंने बहुत कुछ दिया, बदले में आज उसने मेरी ही मार ली। पर क्लॉडिया, तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुम गंजे हो रहे हो बियर। पहले तुम डैडी लगते थे, अब तुम पापा लगते हो। पापा, कितनी बार तुमसे बोला हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, पर तुम होगी अड़े रहे, नहीं लेनी टेक्नोलॉजी की मदद। नेचर के पास हर चीज का इलाज है, नहीं होता नेचर के पास हर चीज का इलाज। और दूसरी बात, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। क्या सुंदर बाल है उसके, उफ, से वापस आने की उम्मीद मत रखना। वापस बुला कौन रहा है तुम्हें? वैसे भी बियर जूठी थाली पे मुंह नहीं मारता। मैं उगाऊंगा और नेचर की मदद से उगाऊंगा ताकि तुम्हारे एटीट्यूड पर मूझ सकूं। हमने तने दिल दिया था, तने दिल की भेंट चो। बियर, तुम हरियाणवी कब से बोलने लगे? क्योंकि बियर ग्रिल्स भी जाट है। जाट है। ओके, एपिसोड 1, मेंस वर्सेस वर्ल्ड विद बियर। बियर ग्रिल्स, दुनिया की खतरनाक जगहों पर जाकर अपनी बहादुरी का परचम लहराने वाला ये शेर आज एक मादा से गांड पर लात खाकर आया है। गांड पर लात खाकर आया। अब ये सख्मी शेर आ पहुंचा है मैसूर के घने जंगलों में अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने। ओके, अपने दोस्त बिंदु के साथ। बिंदु, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं घने जंगलों में, जहाँ का तकरीबन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो बिंदु, जिस चमत्कारी आदिवासी तेल की खोज में हम लोग निकले हैं, क्या उससे मेरे बालों का पुनर्जन्म हो पाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तेल में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जिससे बियर के सिर पर भालू जैसे घने बाल आएंगे। अमेरिका के अनिल कपूर बनने वाले हो तुम। यानी मैं क्लॉडिया को उसकी औकात दिखा पाऊंगा। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस जंगल में आना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ हर कदम पे मौत का खतरा है, छोटी छोटी चीजें, आप कहीं भी जाके आपकी जान जा सकती है। एक गलती और आपकी जान खतरे। भैया, ये ऑर्डर है किसी ग्रिल्ड बुर के नाम से। बियर ग्रिल्स चूतिए। अच्छा, तुम बियर क्या? अरे यार, ये फटाफट इस पे साइन मारो इधर। पानी का बहाव काफी तेज है, पर मुझे कैसे भी इस बहाव को चीरते हुए उस पार पहुंचना पड़ेगा, उस तेल तक पहुंचना पड़ेगा। और तेल को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे वहां के रहने वाले आदिवासी लोग। जी हाँ, पिछले 3 घंटे से इस गहरे पानी में मैं और बिंदु तैर रहे हैं। बिंदु, क्या हाल हो रखा है? तो बिंदु, लगता है बिंदु डूब गया है। गाइस, क्या इड़े चाली चालू है रे तेरा? ओवर एक्टिंग का वड़ा पाव खा के आया है क्या तू? इधर मैं लोला बोट सर्विस से बाहु को बुलाया है। खड़ा हो चुपचाप, चूतिया। दादा चल दिया, चल दिया। ओ आवे खबीरे, क्या देख लिया भाई? आदिवासी, ये क्या कर रहा है जंगली? ओ चल, ओ नानू पूछ देने तेरे तेल दा रास्ता किथे आ। लाला हु हु जिंगा, लाला हु हु जिंगा, लाला वाही चोर। हाँ यार, ये तो दूरदर्शन की पैकेजिंग में नेटफ्लिक्स का शो चल रहा है। सही कहा बिंदु। वैसे बिंदु, तुम्हें आदिवासी भाषा आती है? वाह, तो बिंदु चलो उनसे बात करते हैं आराम से, वो तुम पे हमला भी कर सकता है बहुत आराम से। पहले तुम मरो बिंदु, आज आगे चलो, आगे चलो। समझौता करने हैं। गान के अंदर हिंदी आती है मुझे, दिल्ली से हूँ मैं, स्टेट फ्रॉम पीतमपुरा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, सिटी लाइफ से ना मन उब गया था मेरा, तो
तो सोचा घूमते फिरते फिर इधर आ गया और यहाँ पे ऐसा मन लगा कि यहीं का रह गया। बाकी इधर खुली हवा, साफ जगह, बढ़िया लोग, मजा आ जाता है। ये कौन सा जगह? तो दोस्तों अभी का तापमान तकरीबन 21 या 22 डिग्री सेल्सियस है। हमारे दोस्त जड़ी बूटियों की तलाश में हैं, तब तक हम खाने की तलाश करेंगे क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है हमें। दादा दादा क्या हुआ बिंदु? कोई तलाश नहीं करनी दादा, हमको मालूम था तुम ही हंग्री हो जावे, इसलिए शिकार करें। हम ब्रेड खाएगा दादा। आई केयर फॉर यू दादा, मैं ब्रेड लेके आया। क्या बात है बिंदु, बिंदु काफी स्मार्ट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जंगल में ब्रेड कैसे खाया जाता है फटाफट ही दादा। पहले हम ब्रेड को चारों तरफ से देख लेंगे ताकि इसमें कोई कमी ना हो, और उसके बाद हम इसे फेंक देंगे ताकि जंगली जानवर इसे खा के स्वस्थ रहे, और हम ढूंढेंगे मछली के अंडे, मगरमच्छ के अंडे और सांप की खाल। एक और छोबो कचदा, बिल्कुल चूतिया लगाता है, क्या करते हो तुम ही? टैंडो गाली तो एक लैंग्वेज में देखे जा, चूतिया। लगता है मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ना ही पड़ेगा। Oh shit! The fuck! दादा, क्यों लो दादा, क्यों लो? इस काले सांप ने मेरे काले नाक पे हमला कर दिया। Are you fine, nigga? What happened? किसी के नाक पे कोई काट ले तो वो फाइन कैसे हो सकता है? Chupani, we'll think something. Bindu, if you are my good friend, please help me out. How, nigga, how? रुकना पड़ेगा। एक जगह पे चूस के जहर निकालना पड़ेगा। ओ मेरा चूस है, पागल है क्या? तुम्हारा नहीं बिंदु। ओए 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 चवन्नी मेरी बात सुन, तेरे गफार में भेजाऊंगा, 400 रुपए में बकवास मत कर, मैं आ गए। यानी तुम मेरी मदद नहीं करोगे? गलती मेरी ही थी, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा बिंदु। अब क्या होगा? ओ यार, अब मैं उस चमत्कारी तेल का कमाल नहीं देख पाऊंगा अपने सर पे, मैं मर जाऊंगा। करके तुम्हें कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी दादा। अब क्लॉडिया को उसकी औकात दिखाऊंगा, जब मैन बन बना के बाहर निकलूंगा तो उसके खानदान की पूरी कच्ची गीली हो जाएगी। भैया हम कह रहे थे कि एक फोटो हो जाए मिशन का। हाँ जरूर, मैं लेता हूँ। लीजिए लीजिए, ब्लर मार दीजिएगा। भैया भैया ये पूरा पीछे ब्लर मार दीजिएगा। हाँ एक बढ़िया सा पोज दो यार। यू आर लुकिंग वेरी नाइस, बहुत खूब आ रही है। मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। क्या सुंदर बाल हैं उसके, उफ। भूल जाओ क्लॉडिया को, मूव ऑन। क्यों हो गया वीरे, फोटो खींचे की कर रहा है? मैं तुहानू मेरी गल सुन। ओ मां के लटे भैया, दादा भैया तेरी मां की। वीडियो तो बढ़िया था, बाद में आप लोगों का कैसा लगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर लोगे। बाद में मेरे को तो बढ़िया लगा। फुल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्रेडिट बाय पूरा ओझा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।